हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लाइंस, डाइमेंशंस एंड लेटर राइटिंग से रिलेटेड। यदि फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है अ थिन एंड लॉन्ग चैन लाइन विथ बोथ एंड्स मार्क विथ थिक लाइन। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है एक थिन और लॉन्ग चैन लाइन है जिनके जो एरो होते हैं वो कैसे हैं, थिक हैं, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताना चाहूं तो ये होती है कटिंग प्लेन लाइन। इस पर मैं टिक कर देता हूं। इसके अलावा यदि आपसे लाइन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, उसको आप याद कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टेबल दिख रही है जिसको मैं धीमे धीमे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा थिक लाइन, ये होती है आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन की। यहाँ पर लिखा मीडियम थिक लाइन और जिसकी जो बीच की डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, गैप दिख रहा है 1 mm, और जो इसका डैश है पूरा बना हुआ है वो कितना है 3 mm का। ये होती है डॉट डैट एंड डैश लाइन एंड हिडन लाइन। इसके अलावा और भी लाइन है, उनके बारे में भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर लिखी थिन चैन लाइन, ये होती है सेंटर लाइन के लिए, इसका जो गैप रहता है 1 mm का और 6 mm की जो पूरा लॉन्ग रहती है। नेक्स्ट होती है कंटिन्यूस थिन लाइन, ये होती है डायमेंशन लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए, सेक्शन लाइन के लिए और बॉर्डर लाइन के लिए। इस तरह जो लाइन यहाँ पर दिख रही होगी बीच में डैश बना हुआ है, जो बीच में कैसी है थिन लाइन है, जबकि स्टार्टिंग और एंड में कैसी थिक लाइन है, जिस पर अभी क्वेश्चन पूछा गया है, जो है कटिंग प्लेन लाइन। इसके अलावा जो इस तरह की लाइन दिख रही हुई, ये होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन। एक लास्ट में लाइन बनी हुई इस तरह की लाइन पूछी जाती है तो ये होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इन सभी लाइनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस टेबल को नोट कर लें जिससे आपसे और भी क्वेश्चन बन सके। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लिखा था डॉटेड लाइन इन द ड्रॉइंग शो, जो ड्रॉइंग शीट होती है उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में डॉट और लाइन से शो कराते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम ड्रॉइंग शीट में कोई डॉट और लाइन से कोई ऑब्जेक्ट को शो कराते हैं तो वो कैसा होता है, हिडन ऑब्जेक्ट रहता है या हिडन लाइन रहती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसे बोलते हैं इनविजिबल फिगर या ऑब्जेक्ट। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा देयर इज अ यूज ऑफ कंटीन्यूअस थिन लाइन। कंटीन्यूअस थिन लाइन का यूज कहां पर किया जाता है, तो अभी मैंने टेबल में बताया हुआ था बहुत सारी लाइनें लिखी हुई थी जिसमें एक एक्सटेंशन लाइन भी लिखा हुआ था, तो एक्सटेंशन लाइन के लिए हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, विच एंगल इज रिकमेंडेड फॉर इंक्लिनेशन। इंक्लाइंड के लिए हम कौन सा जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो कौन सा एंगल हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स ये होता है 75 डिग्री। कौन सा, 75 डिग्री। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच एंगल इज रिकमेंडेड फॉर सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन के लिए हम कौन से एंगल का यूज करते हैं, ये करते हैं 45 डिग्री का। इस पर मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कंटीन्यूअस थिन लाइन इज यूज्ड फॉर। कंटीन्यूअस थिन लाइन का यूज कहां पर किया जाता है, तो मैं इसको ऊपर भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन ये होती है एक्सटेंशन लाइन। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच लेटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ऑन ड्रॉइंग शीट। ड्रॉइंग शीट के अंदर जो हम लेटर राइटिंग करते हैं उसमें किस टाइप के लेटर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें हम करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर्स का, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इनके आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डायमेंशन लाइन एंड आउटलाइन। जो आउटलाइन है और डायमेंशन लाइन उनके बीच में कितनी डिस्टेंस रहती है मिनिमम, तो ये रहती है 8 mm। तो सी वाले में टिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मिल गया होगा 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अ लाइन हैविंग वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट लाइन थिन डेडस अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट। ये किस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं एक वन लॉन्ग लाइन वन शॉर्ट लाइन, ये होता है फ्रेंड सेंट्रल लाइन के अंदर। किसके अंदर, सेंट्रल लाइन के अंदर। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन कैन नेवर बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इन लाइनों में से हमें बताना कि कौन सी लाइन जो कभी ना वर्टिकल होती है ना ही हॉरिजॉन्टल होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है कटिंग प्लेन लाइन। कौन सी होती है, कटिंग प्लेन लाइन। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इनके भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द सिस्टम इन विच ऑल द डायमेंशन आर सो प्लेस्ड
दैट दे आर मे बी रीड फ्रॉम बॉटम एज ऑफ द ड्रॉइंग शीट इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है जब हम डायमेंशन को बॉटम एज से पढ़ते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है अलाइनमेंट डायमेंशनिंग। क्या होता है अलाइनमेंट डायमेंशनिंग सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं बॉटम से पढ़ सकते हैं, कोई भी डायमेंशन देते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था रेशो ऑफ थिकनेस बिटवीन मीडियम थिक लाइन एंड थिक लाइन। ये जो मीडियम थिक लाइन होती है और थिक लाइन होती है इनके बीच में कितना रेशो होता है। फ्रेंड्स ये होता है 1.2 का 1:2, एक से दो का रेशो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन मेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंक्लूड्स स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर लाइन कन्वेंशंस एंड लेटरिंग। इन चारों में से हम बताना कि कौन सा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है जो लाइन के जो सिंबल रहते हैं और लेटर जो भी लेटर राइटिंग रहती है उसमें इन्वॉल्व रहता है या उसके अकॉर्डिंग हम लेटर राइटिंग करते हैं या सिंबल यूज करते हैं। तो ये होता है SP46। कौन सा होता है SP46, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है सेंटर लाइन आर ड्रॉ, सेंटर लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो किस टाइप की जाती है। तो इसके अगर सी वाले ऑप्शन में देखेंगे लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइंस, तो इस सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इस पर टिक कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। इनमें से चारों में से बताना जो लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइंस है इसका यूज कहां पर किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर लाइन, फिर सर्किल ऑफ गियर्स एंड होल्स, ये तीनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन विजुअल आउटलाइंस, हिडन आउटलाइन, प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन ओवरलैप द रिकमेंडेड सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब जब सभी टाइप की चारों लाइन अगर दी जाती है तो हम जो लाइन डायमेंशन देने का तरीका उसका क्या सिक्वेंस रहता है। इन चारों की नंबरिंग दी 1, 2, 3, 4, तो इनका जो बी वाला ऑप्शन देखें ये सीक्वेंस रहता है, पहले वन वाला आएगा जिसमें होगी विजुअल लाइन, फिर आएगी हिडन लाइन, इसके बाद आती है फोर्थ वाला जो रहता है सेंटर लाइन, इसके बाद आती तीसरी वाली जो है प्रोजेक्शन लाइन, तो इसका बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा था लेंथ टू हाइट रेशो ऑफ क्लोज्ड फील्ड एरो। जो भी हमारे क्लोज्ड फील्ड एरो होते हैं इसमें लेंथ और हाइट का रेशो क्या रहता है, इसका रेशो आप याद कर लें 3:1 होता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था टू रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन, डायमेंशन को के जो दो डायमेंशन देने के तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं। फ्रेंड्स ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल और अलाइनमेंट सिस्टम, तो बी इसका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें मैं टिक कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायमेंशन ऑफ व्यू। डायमेंशन को देखने के जो तरीके होते हैं उसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका जो आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूं सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, दिस शुड बी मार्क्ड फ्रॉम विजुअल आउटलाइंस एंड रेदर देन फ्रॉम हिडन लाइंस, तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इस पर मैं टिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स इनके सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था डायमेंशन फिगर फॉर डायमीटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल का डायमीटर होता है उसको जब हम शो कराते हैं किसी सिंबल से उस सिंबल को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है प्रीसीड ऑफ द फाई और सफिक्स बाय द सिंबल फाई, यहां पर फाई दिख रहा होगा, फाई आप सभी लोगों को याद होगा, फाई से ही हम डायमीटर को शो कराते हैं, लेकिन प्रीसीडेड होता है सफिक्स्ड होता है, तो ये होता है प्रीसीडेड, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें मैं टिक कर देता हूं, तो इसको आप याद कर लें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड मेथड फॉर डायमेंशनिंग, इनमें से हमें बताना कि कौन सी ऐसी मेथड है जो डायमेंशनिंग में हम यूज नहीं करते हैं। ये जो अगर फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें लिखा परपेंडिकुलर डायमेंशन, इसका यूज हम नहीं करते डायमेंशन देने में, या इस प्रकार की कोई भी डायमेंशन सिस्टम नहीं होता, तो बी वाला ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ राउंडेड इंटीरियर कॉर्नर इज कॉल्ड, जो हम किसी कॉर्नर को जब राउंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है फ्लैट। क्या होता है फ्लैट, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग MCQ के नाम से। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स के मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो मैकेनिक्स MCQ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। थ्योरी के लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम के पर्पज से है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम।
जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जो भी हमारी बेल का सिंबल आता है उस पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे आपके पास आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उससे आपको एक फायदा मिलता है, आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।